हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं टिकिंग बॉम्ब, जिसमें यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रही है जिसमें सभी कंपोनेंट्स है, जिसमें सबसे पहले है 9 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद में है 555 टाइमर आईसी, उसके बाद में है 47 किलो ओम का रेजिस्टर, उसके बाद में हमारे पास दो है 10 माइक्रोफेराडा के कैपेसिटर, और लास्ट में हमारे पास है एक बजर। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि 9 वोल्ट की बैटरी में से पॉजिटिव सप्लाई बाहर निकलेगा और वहाँ से जाएगा वो 8 और 4 नंबर की पिन के ऊपर। उसके बाद में वहाँ से वो जाएगा 47 किलो ओम में और वहाँ से नीचे आकर वो जाएगा 10 माइक्रोफेराडे में। तो 10 माइक्रोफेराडे में आने के बाद ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज और डिस्चार्ज होगा और वहाँ से वो डायरेक्ट चला जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद में यहाँ से जो आने वाला वोल्टेज है वो इस तरफ भी आएगा और 3 नंबर में से आउटपुट बाहर निकलेगा। यहाँ से दोनों मिक्स होकर जाएंगे 10 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर में। उसके बाद में ये जो 10 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है ये भी एक बार होगा चार्ज और एक बार होगा डिस्चार्ज। जब ये डिस्चार्ज होगा तब यहाँ से सप्लाई आएगा नीचे बजर में, यानी कि बजर हो जाएगा ऑन। जब तक 10 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है ये चार्ज रहेगा और उसके बाद में जब डिस्चार्ज होगा तब ये बजर होगा ऑन, यानी कि उसमें से साउंड बाहर निकलेगा और फिर वहाँ से बजर का नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है डायरेक्ट 9 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव सप्लाई में। तो ऐसे वन बाय वन जैसे कैपेसिटर हमारे चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं, उस तरह से हमारा ये जो बजर है ये हो जाएगा ऑन एंड ऑफ, यानी कि उसमें से एक बीप साउंड बाहर निकलेगा, जैसे कि टिकिंग बॉम में रहता है। तो ये हो गई हमारी सर्किट। अभी आइए देखते हैं इसके लिए कौन से कॉम्पोनेंट्स हमें ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास है सभी कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले है ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में एक है 9 वोल्ट की बैटरी कैप, फिर एक 47 किलो ओम का रेजिस्टर, उसके बाद में है दो 10 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर, एक 555 टाइमर आईसी है, एक बजर है और कुछ जम्पर केबल्स है। तो आइए देखते हैं अब ये सर्किट के इसको बनाना कैसे है। तो ये सर्किट बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड में 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए और पार्ट डी ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में कनेक्टेड होंगे और पार्ट ए एंड पार्ट बी ये दोनों वर्टिकल लाइन में कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले उसके साथ हम लगाते हैं एक 9 बैटरी कैप। बैटरी कैप में एक है रेड एंड एक ब्लैक। तो रेड को हम लगाएंगे ए पार्ट के पहली लाइन के पहले होल में और बी जो ब्लैक है इसको हम लगाते हैं डी पार्ट के पहले वाले होल में ऐसे। उसके बाद में हम लगाते हैं इसके साथ 555 टाइमर आईसी। तो 555 टाइमर आईसी को आपको क्या करना है कि बी और सी पार्ट के बीच में लगाना है ऐसे, और ये जो यहाँ पर कट है वो आनी चाहिए लेफ्ट साइड में ऐसे। तो यहाँ पर पोर्ट पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे है। अभी हमें क्या करना है कि दो जम्पर केबल्स लेने हैं, एक को लगाना है 4 नंबर की जो पिन है उसके साथ, यानी कि उसकी वर्टिकल लाइन में, और इसका दूसरा टर्मिनल हमें लगाना है पॉजिटिव की लाइन में, यानी कि ए पार्ट में यहाँ पर जो हमने पॉजिटिव लगाया है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसके बाद में हमें लगाना है 8 नंबर की पिन के ऊपर दूसरा जम्पर केबल, और इसका जो दूसरा वाला कनेक्टर है इसे हमें लगाना है सेम वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव में, पॉजिटिव की हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसके बाद में
हमें लगाना है और एक जम्पर केबल तीसरा वाला, इसको हम लगाएंगे एक नंबर की पिन के साथ, वन नंबर पे। इसको हमने वन नंबर पे लगाया और इसका ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको हमें लगाना है नेगेटिव में, यानी कि डी पार्ट में, डी पार्ट की जो नेगेटिव है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में। अभी उसके बाद में हमें क्या करना है, और एक जम्पर केबल लेना है और इसको सिक्स नंबर और टू नंबर पे लगाना है। तो इसको हम सबसे पहले लगाते हैं टू नंबर की पिन पे। तो यहाँ पर टू नंबर पे वर्टिकल लाइन में हमने इसको लगा दिया, उसके बाद में हमें सिक्स नंबर पे इसकी वर्टिकल लाइन में लगाना है, सिक्स नंबर की वर्टिकल लाइन में हमने लगा दिया है। अभी आपको एक 47 किलो ओम का रेजिस्टर लेना है और उसको ऐसे बेंड करके हमें लगाना है इसको थ्री नंबर और सिक्स नंबर के बीच में, यानी कि दोनों की वर्टिकल लाइन में, ऐसे हमने लगा दिया है अभी यहाँ पर। इसके बाद में हमें लेना है 10 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर। तो 10 माइक्रोफेराडे का जो कैपेसिटर है इसका एक टर्मिनल जो पॉजिटिव, ये जो बड़ा वाला है ये है पॉजिटिव और छोटा वाला है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है इसको हम लगाएंगे टू नंबर पे, यहाँ पर टू नंबर की पॉजिटिव लाइन में, और इसका जो नेगेटिव है इसको हम लगाएंगे डी में, जहाँ पर हमारा नेगेटिव है। उसके बाद में हमें लगाना है एक बजर। तो बजर को हम लगाएंगे इस तरह से कि बजर में एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो लंबा वाला है वो है पॉजिटिव और छोटा वाला है वो है नेगेटिव। तो इसको हम सी पार्ट में ऐसे कहीं पर भी हॉरिजॉन्टली लगा देंगे और यहाँ से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक जम्पर केबल लेंगे, इसको लगाएंगे हम थ्री नंबर के ऊपर, थ्री नंबर पे, और ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लगाएंगे बजर के पॉजिटिव के साथ, यहाँ पर बजर के पॉजिटिव के साथ। और आपको एक जम्पर केबल लेना है और वो वाले जम्पर केबल को हम लगाएंगे बजर के नेगेटिव के वर्टिकल लाइन में, यहाँ पर। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लगाएंगे नेगेटिव की लाइन में, यानी कि डी पार्ट में। तो अभी यहाँ पर हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अभी इसके साथ हम लगाते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी और चेक करते हैं कि इसमें से साउंड कैसे बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम 9 वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे टाइमर वाला साउंड अंदर से बाहर आ रहा है, यानी कि थोड़ी सी सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, थोड़ी सी सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। तो ये हो गई हमारी सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।